पौड़ी में वन विभाग के कर्मचारियों की आवासीय कॉलोनी बड़े खतरे के जद में है। यहाँ पर भूधसाव होने से कई सरकारी आवासों में दरारें पड़ चुकी हैं, जबकि आवासीय भवन जिस जमीन में टिके हैं वे जमीन ही अब धंसने लगी है। ऐसे में इन सरकारी आवासों में रह रहे वन विभाग के कर्मचारी और उनके परिवारों को हर रोज डर के साय में जीवन यापन करना पड़ रहा है। वन विभाग के परिजन बताते हैं कि उनको आवंटित हुए भवनों में दरारें आने से काफ़ी वो घबराए हुए हैं, और जब से आवासीय भवनों के नीचे निर्माणाधीन राजकीय पॉलिटेक्निक का निर्माण हुआ है तब से ये दरारें पड़ रही हैं। पौड़ी से भगवान सिंह की रिपोर्ट। डर हमें ऐसा लगता है कि जब भूकंप आता है तो बिल्कुल घर हिलने से लगता है और तब दरारें पड़ने शुरू हो जाता है, तो मम्मी पापा हमें कहते हैं कि बाहर चले जाओ, तो हम बाहर चले जाते हैं। यहाँ बहुत दिक्कत हो रही कि कभी भी मतलब ये टूट सकता है और नीचे पड़ सकता है ज़मीन, भूकंप के झटके लगेंगे तो सारी मतलब पूरा तहस नहस हो सकता है, इसलिए डर डर के दिन रात डर सता रहा है हमें। कभी भी बारिश लग रही है तो बहुत दिक्कत हो जा रही है, हम अपने बच्चों को उठा के दूसरे वाले कमरे में शिफ्ट हो जा रहे हैं सर, बहुत दिक्कत हो रही है इसमें। तो सर डर तो बहुत लगता है सर, टूट फूट हो रखी है सर, जब भूकंप वगैरह आता है तो सर सब हिलता है मकान यहाँ, और ये है कि इसके कारण बच्चे भी डरते रहते हैं और सारे मकान में सर आगल पीछे पीछे आगे पीछे सब में दरार जा रखी है, डर में तो लगना ही है। की जांच करवा के और जो भी इंजीनियरिंग सोल्यूशन इसके निकल सकते हैं, जो भी रिस्पॉन्सिबल रीजन है उनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश की जाए।